शायर जिसकी सारी उम्र कोठों पर और शराब के ठेलों में गुजरी हो, मौत के बाद हजरत मौलाना और रहमतुल्लाह अलैह बना दिया जाता है। मेरे खुदा और शैतान से अच्छे मरासम हैं, बवक्ते ज़रूरत दोनों मेरे काम आते हैं। औरत का दूसरा नाम अपने खाविंद की हर बात को शक की नज़रों से देखना है। रंडी को सिर्फ बाहर से देखा जाता है, उसके रंग रूप, उसकी भड़कीली पोशाक और उसके मकान की आराइश और ज़ेबाइश देखकर यही नतीजा मुरतब किया जाता है कि वो खुशहाल है, ये दुरुस्त नहीं। आग लगी तो सारा मोहल्ला जल गया, सिर्फ एक दुकान बच गई जिसकी पेशानी पर ये बोर्ड आवेज़ा था कि यहाँ अमारत साजी का जुमला सामान मौजूद है। वो लोग जिनके हाथ में अवाम को तालीम देने का काम है, वो खुद तालीम याफ्ता नहीं। आम औरतों के मुकाबले में रंडियों के इश्क की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कि ये मर्दों के साथ मिलने जुलने से नित नए आशिकाना जज्बात से मुतारफ होती रहती हैं। जब खुद इसमें गिरफ्तार होती हैं तो उनको जलन महसूस होती है। बुनियादी तौर पर हम सब हैवान हैं। मर्द की नफसानी ख्वाहिशात की मांग औरत है, चुनांचे इसकी मांग का असर ये है कि हर शहर में कोई ना कोई चकला मौजूद है। अगर आज ये मांग दूर हो जाए तो ये चकले खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। रंडी जिसकी माँ रंडी थी, जिसकी दादी रंडी थी, जिसकी परदादी रंडी थी, जिसने रंडी का दूध पिया, जो असमत फिरोशी के गहवारे में पली, वहीं बड़ी असमत और बा असमत औरतों के मुताल्लिक क्या समझ सकती है। मैं रंडी की इसलिए भी इज्जत करता हूँ क्योंकि वो बड़े बड़े तकद्दस माब हस्तियों को नंगा कर देती है। अगर मैं चकले की रंडियों के बारे में ऐसा ना लिखूं तो क्या मैं उनकी जुबान से अलम नशरह जैसे अल्फाज निकलवाऊं? ये मुझसे नहीं हो सकता। हर औरत रंडी नहीं होती, लेकिन हर रंडी औरत होती है, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर मेरी मौत के बाद मेरी तहरीरों पर रेडियो और लाइब्रेरियों के दरवाजे खोल दिए जाएं और मेरे अफसानों को वही रुतबा दिया जाए जो इकबाल मरहूम के शेरों को दिया गया, तो मेरी रूह सख्त बेचैन होगी। खुदा मुझे उस दीमक से महफूज रखे जो कब्र में मेरी सूखी हड्डियां चाटेगी।